प्यारे दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का एक ऐसा रुकन है जिससे किसी को भी रुखसत नहीं है, ये सब पर फर्ज है। अगर कोई खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठकर पढ़ ले, अगर कोई बैठ नहीं सकता तो लेटकर पढ़ ले, और अगर लेट भी नहीं सकता तो महज इशारे से नमाज अदा कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुस्लिम और मुशरिक में फर्क महज नमाज का है। यही वजह थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सहाबाए किराम रिज़वानल्लाहु मजमाइन और बाद में आने वाली नस्लों को नमाज की ताकीद की। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन वसीयतों में से एक है। यही वजह थी कि सहाबाए किराम रिज़वानल्लाहु मजमाइन भी नमाज की अपनी तरफ से कोताही या गलत फहमी नहीं बरतते थे। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक ऐसा वाकिया कि जब एक जंग के मैदान में जनाब अली को तीर लगा तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तीर निकालने वालों से सदा की कि जब मैं नमाज अदा कर रहा हूँगा तो उस वक्त तीर निकाल लेना, क्योंकि उस वक्त मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त मैं पूरी तरह से अपने रब की तरफ मुतवज्जे हूँगा। दोस्तों, ये वो हस्तियां थी कि जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिनके नक्शे कदम पर हम चलते हुए इस दुनिया में और अगली हमेशा वाली जिंदगी में हमें फलाह मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन नमाजी के बारे में बताया जाएगा कि जिन्होंने इतने इनहिमाम के साथ नमाज अदा की कि जिन्हें कुछ खबर नहीं कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और नमाज में भी फिर उनकी यूं हिफाजत की कि अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। प्यारे दोस्तों, कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। CCTV कैमरे की इस रिकॉर्ड होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी खुली जगह पर जाए नमाज बिछाए नमाज अदा कर रहा है, और ये नमाजी जब हालत कयाम में आता है तो कहीं से कोई एक आवारा कुत्ता कहीं से उसकी तरफ आता है। आवारा कुत्ता दोस्तों अक्सर पागल होते हैं, वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं, और अगर वो किसी को काट लें तो उनकी जान तक को खतरा लाहक हो सकता है। मगर दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि साहिब ईमान शख्स को ये ऐसे इन्हमाक के साथ नमाज अदा की, हत्ता कि जब कुत्ता इसके सामने भी बैठा रहा तो इसके बदन में कोई लर्जिश पैदा ना हुई और नमाज में कोई खलल ना आया। ये शख्स पूरे खुशू और खुजू के साथ रुकू और सुजूद में मशगूल रहा। दोस्तों, ये नमाज ही की बरकत थी, और ये भी कहा जाएगा कि ये जानवर इसके जानिब दौड़ता हुआ तो आया, मुसल्ले से सिर्फ चंद दूर ऐसे रुक गया कि जैसे उसे किसी गैबी ताकत ने रोक रखा हो, जिससे ये साबित होता है कि बिला शुबा अगर कोई शख्स अपनी नमाज की हिफाजत करता है तो बदले में नमाज भी उसकी हिफाजत करती है। इसी तरह से दोस्तों, नमाज की करामत के कई दूसरे वाकियात हैं जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उनमें से कुछ वाकियात आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं। इन वाकियात को देखने के बाद यकीनन नमाज की अहमियत के बारे में आपको इल्म में भी इजाफा होगा। प्यारे दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है जिसका ज्यादातर हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, और दोस्तों हम ये जानते हैं कि जो इलाके जंगलात पर मुश्तमिल होते हैं वहां पर दूसरे हसरातुल अर्ज भी बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। जकार्ता की जामा मस्जिद के इमाम से एक नौजवान अपनी उलझन के बारे में अर्ज करता है, इमाम साहब, मैं नमाज अदा करने के लिए जाए नमाज पर खड़ा था, हालत कयाम में था तो क्या देखता हूं कि मेरी जाए नमाज पर से एक लंबा सांप गुजर रहा है। ये बहुत खतरनाक सांप था और ये आगे बढ़ने की बजाय मेरी सजदा करने की जगह पर रुक जाता है। मैंने कयाम में अपनी तिलावत को लंबा कर दिया ताकि ये गुजर जाए, मेरा ध्यान नमाज ही की जानिब लगा रहे, कहीं ऐसा ना हो कि सांप को देखकर उसके डर की वजह से मैं गाफिल हो जाऊं और अल्लाह के आदाब की कहीं बेहुरमती ना कर जाऊं। लेकिन दोस्तों, वो सांप उस जगह से नहीं हटा। नौजवान कहता है कि उस सांप की निगाहें मुसलसल मेरी तरफ थी, लेकिन उसकी हरकत से ये मालूम नहीं हो रहा था कि ये मेरे ऊपर हमला करेगा। मैं जो कि आवाज बुलंद तिलावत कुरान कर रहा था, और शायद इसी वजह से वो सुनकर वहां रुक गया था, और जब मुझे यकीन हो गया कि ये सांप अल्लाह के हुक्म से मुझ पर हमला नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो मैं रुकू में चला गया।
लेकिन वो नौजवान बताता है कि जू ही मैं रुकू करने के लिए झुका तो सांप डर के मारे पीछे की तरफ हुआ और मुझे लगा कि शायद ये मुझ पर हमला करने के लिए पीछे हटा है और ये शायद मुझे डसना चाहता है। बस उसी लम्हे मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया, मैंने अपनी नमाज तोड़ डाली और सांप को वहीं पर खत्म कर दिया। अब मुझे मेरा दिल मलामत करता है कि अगर अल्लाह पर मेरा सिर्फ इतना ही यकीन था कि तूने सिर्फ एक सांप के डर से अल्लाह के सामने खड़े होने के आदाब को भुला दिया। वो नौजवान कहता है कि क्या मैंने कोई गुनाह का अमल किया है? दोस्तों, इमाम मस्जिद खामोश रहे, उस नौजवान की मोहब्बत को देखकर मुस्कुराने लगे और उस पर रश्क करने लगे। इमाम मस्जिद कहने लगे कि कुरान मजीद की एक आयत मुबारका का मफहूम है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरमान हैं जो कि इंसानी जान के मुतालिक हैं। ऐसे एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अगर तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ और तुम्हारी वालिदा तुम्हें मदद के लिए पुकारती है तो फौरन अपनी नमाज तोड़ डालो, तो यकीनन अपनी नमाज खत्म करके अपनी जान बचाई है और बेशक जान बचाना एहसान अमल है। लेकिन आपकी बयान करदा इस वाक्य में एक बात बहुत अहम है कि जब तक आप हालत नमाज में थे तो सांप ने अल्लाह के हुक्म से आप पर कोई हमला नहीं किया, ये बजात खुद नमाज की एक बहुत बड़ी करामत है। प्यारे दोस्तों, बेशक नमाज अल्लाह का वो हुक्म है जिसके काम करने वालों को अल्लाह खुद ही हिफाजत फरमाता है। और दोस्तों, इसी तरह से नमाज के हवाले से बहुत सारे वाकया सामने आते रहते हैं जिन्हें हम वक्तन फवक्तन आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, बेशक नमाज में ही अल्लाह के बंदों को वो मकाम वो मर्तबा अता किया कि ना सिर्फ वो इंसानों के दिलों पर हुक्मरानी करते हैं बल्कि इसके साथ साथ दरिंदे और जंगलों के जानवर भी उनके ताबे थे। नमाज तो शायद हम सभी पढ़ते हों और तमाम अहकान नमाज सही तरह से अदा करने की कोशिश भी करते हों, लेकिन अगर अल्लाह ताला के साथ बराहे रास्त ताल्लुक कायम ना हुआ हो तो नमाज, जिसको मोमिन की मेराज कहा गया, तो उसकी रूह को हम हासिल नहीं कर सकते जो कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। अगर एक नमाज के बाद दूसरी नमाज में आपका मस्जिद जाने को दिल मचल जाए और आपके कदम आपके खुद ब खुद मस्जिद की तरफ चल ले जाए तो ये इस बात की निशानी है कि आपकी गुजरी हुई नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल कर ली गई है। अल्लाह के सामने खड़े होकर जब इंसान ये कहता है दाएं बाएं से अपना ताल्लुक काट कर मैंने रुख कर लिया उस अल्लाह की तरफ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, ये तवज्जो अंदर से यानी रूह की तवज्जो का जिक्र है और रूह का मुतवज्जे होना बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, हम आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी खुशू और खुजू के साथ इसी तरह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।